बाट का नाम सुनिया होगा भाई, बाट के हो है हाल फिलहाल देख सको। ऑन रोड मेन रोड पर 9 फुट पानी भरिया हुआ है। हाँ देखा ये बस नीचे गेड़ है देखो। चल हाल फिलहाल आपको पीछे बोर्ड दिखाई दे रहा होगा फतेहाबाद में है। एक बार पहले तो पानी देखो, बाढ़ के हालात देखो चारों तरफ से। और आप सभी साथियों को बता दें हम मेन रोड पर खड़े हैं, मेन रोड के ऊपर ये बताया जा रहा है आगे चल के लगभग 9 फीट पानी है। और हमारा समस्त भाईचारा सारी टीम सब हमारे साथ है। अजीत भाई साहब आज लेकर आए थे, अजीत धनानिया जानते भी हो गए सारे के सारे। संदीप जांगड़ा भाई है, कुलदीप मदनेड़ी भाई है, हमारी बाणगीता है, परमिला है, मतलब संपूर्ण भाईचारे के साथ है। एक छोटा काम आए थे मुन्ना इछलियत के भगवान को देखा आज। भगवान तो खर मैंने पहले भी देखा है लेकिन मैं आज बात करूंगा इछलियत के भगवान के बारे में। और कुछ चीज किसी इंसानों को कड़वी भी लगेगी, मन कड़वा ये कहना पसंद है, मीठे में शुगर हो यार ना मन मीठे आदमी पसंद ना मन मीठी बातें पसंद, सच्चाई कहना ही मैं पसंद करता हूँ। वो भगवान कहाँ देखा पहले तो आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ के आसपास नजदीक हम भी सेवा करने के लिए आए थे, जैसी हमारे से हुई संपूर्ण टीम के साथ मिलकर एक गाड़ी सामान की फुल भर के यहाँ पर नजदीक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में पहुंचा दी गई क्योंकि वो खाने को वहां तैयार करते हैं और तैयार करके गांव गांव वो भेजते हैं। आप सभी साथियों को बता दूं भगवान कहाँ देखा, वो भगवान देखने को आप लोगों को इसलियत में मिलेगा गुरुद्वारे के अंदर, क्योंकि गुरुद्वारा एक ऐसी पावन पवित्र जगह है जिसके अंदर आप लोग जितना दान देते हो, जब आप लोगों के ऊपर विपत्ति आती है मजबूरी आती है उस वक्त सिख सरदार और गुरुद्वारे के अंदर जितने भी सेवक हैं वे विश्व के अंदर, खाली हिंदुस्तान के अंदर नहीं विश्व के अंदर आपको हर जगह देखने को मिलेंगे समाज सेवा करते हुए। और आप लोगों को बता देता हूं मैं खुद एक हिंदू धर्म के अंदर से आता हूं, हमारे धर्म के अंदर बड़े बड़े मंदिर होते हैं, बड़े बड़े मंदिरों को पूजा जाता, बड़े बड़े मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया जाता, बड़े बड़े मंदिरा में जागरण हो, बड़े बड़े मंदिरा के नाम तय प्रोग्राम के नाम तक पर्ची काटी जा है। ये मत मानियो खाली बात बात करूं हूं, एक महीना पहले अभी 61,000 की पर्ची कटवा कर रहा हूं, 15 दिन पहले भी 11,000 की पर्ची कटवा रखी, 10 दिन पहले भी 21,000 की पर्ची कटवा रखी अपने धर्म में अपने मंदिरा में। इसलिए आत्मा हमारी इसलिए दुखती है, मेरा दुख इसलिए है जब भी कोई मजबूरी आती है हम भगवान को याद करते हैं। इनका भगवान तो प्रकट हो जाता है, गुरुद्वारे वाले उसी टाइम प्रकट हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे मंदिर के अंदर भगवान रहता है वो हमारे से खाली दान लेता लेता है, वो मदद के टाइम पे कहीं भी दिखाई नहीं देता, इसका कारण क्या है? मैं आप सभी साथियों से मेरा सवाल है, जिसके पास इसका जवाब नहीं हो शेयर करके आगे पहुंचा सकते हो आप इस चीज को, क्योंकि मेरा सवाल इस मारे है, दिल दुखता है, हम भगवान से उम्मीद करते हैं, भगवान से विनती करते हैं मजबूरी में, ए मालिक मारे पे अपना विश्वास बनाए रखे और हम आज मजबूरी में फंस रहे हमारे काम आ, उस टाइम पर हमारे मंदिर वाले भगवान कहां चले जाते हैं? आप लोग देखना हमारे हालात हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए इतने छोटे हो रहे हैं। शनिवार वाले दिन जो भीख मांगते हैं भीख मांगने वाले भी शनि देव बने पाऊंगे, सोमवार वाले दिन भीख मांगने वाले शिव जी का रोल अदा कर देते हैं, थू है ऐसे आदमियों पे, यानी कि हमारे भगवान इतने सस्ते हो गए क्या? 500 रुपए की ड्रेस आई वो पहन का हाथ में डोली ठाकर रुपये इकट्ठे करते घूमो। असलियत में अगर धर्म का मतलब जानना भगवान का मतलब जानना इनसे सीखो, ये जीते जागते भगवान इसलिए हैं। भगवान होता कौन है जब मेरे पर मुसीबत आ जाए मजबूरी आ जाए मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊंगा, हे मेरे मालिक मेरी सेवा कर, और उससे टाइम मेरे 5-4 साथी आ जाए हाँ भाई बता के सेवा चाहिए तुम्हें, वही तो भगवान होते जो मजबूरी में याद किए जाते हैं। तो मजबूरी में गुरुद्वारा सिख समाज हर समय आगे आता है, हर समय जी जान की बाजी लगाता है, ऐसा हमारे आदमियों के अंदर क्यों नहीं है? मैं आप लोगों में फर्क नहीं बता रहा, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं अगर मंदिर भी है काम करने लग जाए, मंदिरों के अंदर से भी ऐसे दान आने लग जाए जैसे दान मंदिरों में हम देते हैं मजबूरी के टाइम, मंदिर ऐसे ही साथ देने लग जाए तो मेरे हिसाब से हमारे धर्म में दान देने वाले सेवा करने वाले कई गुना बढ़ जाएंगे। अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली के चारों तरफ से, आप सभी को पता होगा जिसको किसान आंदोलन बोलते हैं, एक भी मंदिर के अंदर से चंदा और दान नहीं आया था। बहुत बड़े बड़े
मजबूरी आई है, बाढ़ पीड़ित मेरे हिसाब से आधा पंजाब आधा हरियाणा हो रहा है। मैंने कहीं नहीं सुन लिया कि मंदिर वाले भी लंगर लगा रहे, मंदिर वाले भी सेवा कर रहे। हो सकता है 1-2% जरूर कर रहे हूं, लेकिन 98% तो नहीं कर रहे ना। उसी के हिसाब से अगर आप गुरुद्वारे देखोगे तो गुरुद्वारे 100 हैं तो 100 के 100 सेवा कर रहे हैं, 100 के 100 ने अपने भंडार अपने दरवाजे खोल रखे हैं कि आप यहीं रहो, यहीं खाओ, यहीं जब तक लंगर चलता रहेगा जब तक आप लोगों की जो पीड़ा है वो नहीं मिट जाती। इस मारे हमें सीखने की जरूरत है। आप लोग पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे हिंदुस्तान से आते हो, कम से कम मूर्खों वाली जिंदगी अब तो मत जियो। ये बातें जब कर रहा हूं भाई, दिन रात हम लोग मेहनत करते संघर्ष करते अपने आदमियों का साथ देते हैं, अपने भगवान अपने परमात्मा में हम भी विश्वास करते हैं। आप लोगों को दिखाई देता होगा मंदिरों में मैं भी जाता हूं, मंदिरों में दान भी देता हूं, लेकिन मजबूरी में साथ देना भी सीखो। आप सभी साथियों से यही विनती थी, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करना ताकि समाज के अंदर कोई जागरूकता आ जाए। एक और अच्छी चीज दिखाई दी है इस साइड, जो हमारे स्कूल होते हैं जिनके अंदर शिक्षा होती, पढ़ाई दी जाती, जिनको असलियत का भगवान अगर मैं मानता हूं तो मेरे हिसाब से स्कूल हैं। स्कूलों के अंदर भी यहाँ लंगर चलाए हुए हैं सिख समाज ने, सरदारों ने, गुरुद्वारे के माध्यम से यहाँ सेवा चलती है। ये चीज देख के प्राउड फील हुआ। रात के टाइम अगर हम यहाँ फंस जाएं तो इसका मतलब आराम से हम यहाँ सो भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। यही होती है एक अच्छी व्यवस्था और इंसानियत। ये सेवा सरदार जब कर रहे हैं, जब पूरे हिंदुस्तान की सरकार उनको बदनाम करने पे लगी हुई है, मैं ये मानता हूं इनसे मजबूत इस टाइम कोई उदाहरण नहीं हो सकता। एक सिख एक मुसलमान जिनके खिलाफ सरकार 24 घंटे रहती है और फिर भी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष के अंदर लड़ना सीख रहे हैं, अपने बच्चों को कामयाब कर रहे हैं। एक और बहुत अच्छी चीज दिखाई दी, गुरुद्वारे के अंदर अगर अफसर मंत्री भी आता है वो भी आम आदमी के जूते पॉलिश करता है, और मारे अंदर एक ग्रुप डी में चपड़ा सीला गिरा हो ना उसमें भी इतनी बड्डी मरोड़ पाऊगी, क्योंकि जूते ठाणिया मंदिर में न्यारा पाऊगा, उसकी जोत लानिया न्यारा पाऊगा, और भाई साहब आ गया गेत हटियो। ये व्यवस्था, ये फर्क हमारे में और इनमें, इसलिए हमें सीखने की जरूरत है। आप लोग युवा हो, शिक्षित हो, जागरूक हो, इसीलिए मुझे दुख होता है ये चीजें देख के। सीखना सिखाना जिंदगी जो मुझे फील हुआ, मेरे धर्म वाले भले ही मुझे गाली दें बेशक, लेकिन गाली वो दें जिनको ये बात झूठ साबित करनी आती हो। और धर्म के ठेकेदार भी हमारे तो वो बन रहे हैं जिनके घर में कभी जोत नहीं लगती, जिनको भगवान के नाम का ही नहीं पता। अंध भगत मत बनो, भगत बनो। सभी साथियों का धन्यवाद, आप लोगों ने इतने प्यार से मेरी बात सुनी। अच्छा लगे तो इस चीज को शेयर कर देना। राम राम जय हिंद।